प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक हैं propertychacha.com, सह प्रायोजक ब्रायस ग्रुप, सुपर लग्जरी रेसिडेंसेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा, आपके साथ मैं हूं नवेद। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम लेकर आए हैं एक घंटे का महा एपिसोड। इस एक घंटे में हम बात करेंगे कैसे आप सर्टिफाइड यानी कि भरोसेमंद प्रोजेक्ट्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ट्रेडिंग के जरिए कैसे महज आप 50,000 के निवेश में कमा सकते हैं मुनाफा, और धार्मिक नगरी वृंदावन में आपको दिखाएंगे चितवन प्रोजेक्ट की खूबियां भी। तो शुरुआत करते हैं वृंदावन में बनाए जा रहे दुनिया के सबसे ऊंचे 70 मंजिला चंद्रोदय मंदिर से। वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनाए जाने के ऐलान के बाद से इस धार्मिक शहर के रियल एस्टेट में हलचल शुरू हो गई है। नवंबर में इस 70 मंजिला चंद्रोदय मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और निर्माण से पहले हुई पूजा में खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल हुए। निर्माण पूरा हो जाने के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, लेकिन ये सबसे ऊंचा मंदिर बरसों तक इसी तरह से खड़ा रहे इसका भी इंतजाम कर लिया गया है। ये मंदिर 1000 साल तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये मंदिर केवल आध्यात्म की दुनिया में ही नई रोशनी नहीं बिखेरेगा, बल्कि तकनीक का भी एक शानदार नमूना इस मंदिर के माध्यम से दुनिया को देखने को मिलेगा। इस मंदिर की नींव की गहराई कुतुब मीनार के बराबर होगी। इस मंदिर को भूलोक, स्वर्गलोक, बैकुंठलोक और गोलोक समेत 5 भागों में बांटा जाएगा। 1 साल में तैयार होगी नींव। इस मंदिर को मजबूती देने के लिए इसकी नींव को ही तैयार करने में 1 साल का वक्त लग जाएगा। विशेष तकनीक की मदद से 4 फीट गोलाई वाले व्यास के करीब 542 स्टील के सरिये नींव में डाले जाएंगे। इन्हें जंग रोधक बनाने के लिए जिंक की कोटिंग कराई गई है। नींव का कार्य करीब 1 साल में पूरा होगा। इसके ऊपर के ढांचे को मजबूती देने के लिए 1 एकड़ क्षेत्रफल जितने चौड़े स्टील के फ्रेम में सरिया, कंक्रीट और सीमेंट से आधार तैयार किया जाएगा। मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों का दावा है कि चंद्रोदय मंदिर पर भूकंप का भी असर नहीं होगा। आध्यात्मिक स्थलों की मिट्टी पानी का इस्तेमाल। चंद्रोदय मंदिर की नींव और अनंत शेष स्थापना में हैदराबाद के स्वयंभू नरसिम्हा, बालाजी, पुरी के कोविल बैकुंठ, जगन्नाथ मंदिर, गुवाहाटी के डाउल गोविंदा मंदिर, मैसूर के हिमावट गोपाल स्वामी पुष्पकर्णी, जयपुर के गोस्वामी मंदिर और विशाखापत्तनम के सिंहाचलम आदि की मिट्टी लाई गई है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, संगम और कावेरी नदी के जल का इस्तेमाल किया गया। ये मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो अपनी नक्काशी और शिल्पकला के बूते दुनिया भर में अपनी अलग पहचान कायम करेगा। इस मंदिर को सिर्फ कंक्रीट, शीशे एवं दुर्लभ कीमती पत्थरों से बनाया जाएगा। इस मंदिर में आकर हर किसी को एक नई दुनिया का एहसास होगा। मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में दर्शकों के लिए गैलरी होगी। मंदिर के निर्माण पर 300 करोड़ रुपए की लागत लगने का अनुमान है। मंदिर के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये मंदिर प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला का बेजोड़ संगम होगा। चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 700 फीट होगी और इसे 65 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। इसका बिल्टअप एरिया करीब 5.5 लाख वर्ग फीट होगा। मंदिर के चारों तरफ कृत्रिम पहाड़ियां और जंगल होंगे। इसमें ब्रिज के 12 वन क्षेत्र शामिल होंगे। चंद्रोदय मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण के नाम पर एक संग्रहालय भी बनेगा। मंदिर में एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इस मंदिर के बन जाने के बाद वृंदावन के रियल एस्टेट को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
तो वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर पर आपने ये स्टोरी देखी, इस पर और ज्यादा तफसील से जानने के लिए चलिए हमारे खास मेहमानों से आपको मिला दें। हमारे साथ propertychacha.com के शांति स्वरूप सतीजा जी जुड़े हुए हैं। सतीजा जी स्वागत है आपका, और साथ ही हमारे साथ हाईटेक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखिल अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं। निखिल जी आपका भी स्वागत है। निखिल जी, चंद्रोदय मंदिर के आने से वृंदावन में आखिर क्या इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी बायर्स का एकाएक रुझान जो बढ़ता जा रहा है वृंदावन के, उसके पीछे क्या वजह दिखते हैं? सभी दर्शकों को जय श्री राधे। देखिए, जहां तक वृंदावन की इंपॉर्टेंस की बात है, वृंदावन एक धार्मिक नगरी है और इसका पूरे विश्व में अपना एक स्थान है। वृंदावन में छोटे बड़े मिला के 6000 मंदिर हैं, जहां हर साल करोड़ों भक्त वृंदावन अपनी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, उनकी कृपा का रसपान करने के लिए आते हैं। जहां तक आपने बात की चंद्रोदय मंदिर की, चंद्रोदय मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, 70 मंजिला मंदिर है। इसकी एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस है और ऑल ओवर वर्ल्ड से लगभग 6 करोड़ लोग हर साल इंटरनेट पे ग्लोबली गूगल पे सर्च करके चंद्रोदय मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। चंद्रोदय मंदिर के इर्द गिर्द जो आपने रियल एस्टेट डेवलपमेंट की बात की, इसलिए एकाएक रुझान बढ़ता जा रहा है क्योंकि विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर होने के अलावा वृंदावन में जितने छोटे बड़े मंदिर हैं और उनकी मान्यताएं हैं, लोग इसके इर्द गिर्द अपना एक आशियाना बनाना चाहते हैं, ठाकुर जी के चरणों में एक स्थान चाहते हैं। उसके चलते ओल्ड एज होम्स, वीकेंड होम्स, इन सब कॉन्सेप्ट की वहां पे एक बाढ़ आई है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जब वृंदावन को सपोर्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, आज NH2 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट हो गया। नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी से वृंदावन आप मात्र 1.25 घंटे में पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ वाली पूरी बेल्ट, कुंडली, मानेसर, पलवल KMP एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करके आपको वृंदावन चंद घंटों में पहुंचा सकती है। ये सब वृंदावन को एक ग्लोबल प्रेजेंस देते हैं, एक इंपॉर्टेंस देते हैं, और वृंदावन में लोगों को अपना एक आशियाना, अपना एक घर बनाने की तरफ प्रभावित करते हैं। सतीश जी आप बताइए कि आंकड़े क्या कहते हैं, पिछले 1 या 1.5 साल की बात करें तो लोगों का रुझान कितना बड़ा है वृंदावन की तरफ, और चंद्रोदय मंदिर के बाद में क्या उसमें इजाफा होता देख पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, धार्मिक नगरी हरिद्वार भी है, देवनगरी, और धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी भी है राजस्थान में। हरिद्वार दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है और खाटू श्याम जी लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर है दिल्ली से। वृंदावन एकमात्र कनेक्टिविटी के नजदीक होने के कारण, दिल्ली के नजदीक होने के कारण लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। शानदार कनेक्टिविटी की वजह से, और चंद्रोदय मंदिर जब से आया है, उससे पहले जब चर्चा शुरू हो गई थी तो मैंने अक्टूबर में भी ये बोला था चितवन प्रोजेक्ट के लिए कि लगभग 35% एक साल में इजाफा होगा, जो हो चुका है। और अग्रवाल जी चलिए एक बार फिर से आपको वृंदावन लिए चलते हैं, जहां पर प्रोजेक्ट बन रहा है चितवन, और इसकी क्या क्या शानदार खूबियां हैं वो आप खुद इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये है वृंदावन में बनने वाला दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर के नजदीक बन रहे प्रोजेक्ट चितवन का नजारा। हाल ही में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट चितवन अपनी अनूठी खूबियों की वजह से ग्राहकों को लुभाने में लगा हुआ है। अगर आप भी वृंदावन में सेकंड होम या वीकेंड होम तलाश रहे हैं तो चितवन प्रोजेक्ट पर एक नजर डालना जरूरी है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को समझते हैं। दरअसल इस प्रोजेक्ट की लोकेशन ही इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी है। ये प्रोजेक्ट NH2 से छठीकरा रोड पर मुड़ने के बाद सड़क पर ही पड़ता है। वृंदावन में ज्यादातर प्रोजेक्ट छठीकरा रोड से हटकर है, वहीं चितवन की यह शानदार लोकेशन इस प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से बेहतर बता रही है। देवकी नंदन जी आश्रम के बाद ये प्रोजेक्ट है और इसके चारों तरफ सड़कें हैं, यानी यहाँ के निवासी किसी भी दिशा में आसानी से जा पाएंगे। कंपनी का दावा है कि लोकेशन के साथ ही इस प्रोजेक्ट की तमाम खूबियाँ ग्राहकों को पसंद आएगी। दमदार लोकेशन और खूबियों से लैस है ये प्रोजेक्ट। करीब 8 एकड़ एरिया में बनाया जा रहा है। यहाँ पर कुल 1420 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट 2 फेज में बनाया जा रहा है, जिसमें पहले फेज में 440 फ्लैट्स कंपनी बनाएगी। यहाँ पर 9000 वर्ग फीट का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का पोजीशन 3 साल में देने के लिए कंपनी तैयार है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर किस साइज के फ्लैट्स के विकल्प आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप 545 वर्ग फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट को अपना आशियाना बना सकते हैं, या 747 वर्ग फीट का 1 BHK अपार्टमेंट आपके घर हो सकता है, 1094 वर्ग फीट का 2 BHK,
या 1485 वर्ग फीट का 3 BHK भी आपके बजट और पसंद के मुताबिक आपको मिल सकता है। पहले फेज में जहां कंपनी ग्राउंड प्लस 9 मंजिला टावर बनाएगी, वहीं सेकंड फेज में ग्राउंड प्लस 11 मंजिला टावर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में कंपनी स्काई लाउंज बनाएगी, जो इसे दूसरे प्रोजेक्ट से जुदा बनाएगा। इसके साथ ही धार्मिक नगरी वृंदावन के तमाम प्रोजेक्ट्स की तरह यहां पर मंदिर बनाया जाएगा। NCR के प्रोजेक्ट्स की फील देने के लिए 5 सितारा सुविधाओं से लैस क्लब हाउस होगा, जिसमें जिम, स्पा, जकूजी वगैरह होंगे। यहां पर एक म्यूजिकल फाउंटेन भी बनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि शानदार खूबियों से लैस चितवन प्रोजेक्ट में घर खरीदने के लिए आपको कितने बजट की जरूरत होगी। इस प्रोजेक्ट में फिलहाल 2900 रूपए के बेसिक प्राइस पर फ्लैट मिल सकता है। इसके साथ ही PLC और क्लब हाउस, पार्किंग समेत दूसरी सुविधाओं के लिए आपको अतिरिक्त रकम चुकानी होगी। तो चितवन प्रोजेक्ट के बारे में आपने ये पूरी स्टोरी देख ली, अब इसके लोकेशन वगैरह जान लेते हैं। अग्रवाल जी, आपसे ये बताइए कि इसके लोकेशन क्या है, चितवन प्रोजेक्ट है आपका, इसकी लोकेशन क्या है और कब तक इसका पोजीशन मिल पाएगा लोगों को? देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी लोकेशन। अगर प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी होगी, आपको एक बेहतरीन जगह पे प्रोजेक्ट पोजीशन ऑफर करेगा, तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। जहां तक बात आती है वृंदावन में प्रोजेक्ट की लोकेशन की, प्रोजेक्ट मेन छटिकरा रोड पे आप जब आते हैं तो देवकी नंदन जी के आश्रम के साथ से लगी हुई रोड के ऊपर ही प्रोजेक्ट है। दो तरफ से 2 साइड ओपन प्लॉट है और निधिवन जो सरकार ने MVDA मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक सेक्टर काटा रुक्मिणी विहार, उसकी 150 फीटा रोड से लगता हुआ यह प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के मेन गेट से आप चारों दिशाओं में किसी भी दिशा पे जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो वृंदावन में हर इंसान अपना फ्लैट लेता है, मंदिर के नजदीक लेना चाहता है, तो यह प्रोजेक्ट चितवन, बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, विश्व का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर, NH2 पे बनने वाला 200 टन सोने से गोल्डन टेम्पल, इन सबसे बेहद नजदीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के बेहद सुविधाजनक स्थान पर है। आपको कभी भी वृंदावन के बंद होने पर, वृंदावन के बैरिकेटिंग होने पर कभी भी अपनी गाड़ी को कहीं पार्क नहीं करना पड़ेगा। सभी सड़कें आपको विदाउट बैरिकेटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर लेके जाएंगी। सतीश जी, कई सारे लोग हैं, कई कॉलर भी हमारे पास भी आते हैं और चिट्ठियां भी आती हैं, प्रॉपर्टी बायर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लेकिन कंफ्यूज दिखाई देता है, क्या इन्वेस्टमेंट करते टाइम वो सहूलतें हैं, वो सावधानियां हैं जो बरतनी बेहद आवश्यक हो जाती है? देखिए, सही मायने में मैं आपको बताऊं, हर चीज का MRP मिलेगा लेकिन प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बाजार के अंदर प्रॉपर्टी का कोई MRP नहीं है। जिसके लिए propertychacha.com सर्च करता है, रिसर्च करने के बाद हम पहुंचते हैं एक नतीजे पर कि प्रॉपर्टी की कीमत क्या है, लैंड की क्या कीमत है, कंस्ट्रक्शन की क्या कीमत है, किस कॉस्ट पर प्रोजेक्ट फ्लैट ओनर्स को मिल पाएगा। ये सारी वेरिफिकेशन करने के बाद, टाइटल देखने के बाद, तब हम सर्टिफाइड प्रोजेक्ट कहते हैं जो भी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी मंत्रा के माध्यम से लाते हैं। चितवन प्रोजेक्ट सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है, पावर्ड बाय प्रॉपर्टी मंत्रा। मैं ये कहना चाहूंगा कि कंफ्यूजन जो है लोगों को, वो सिर्फ एक ही कारण से है, एक प्रॉपर्टी जो बिक रही है किसी भी प्राइस पर, उसके साथ वाली प्रॉपर्टी कुछ ऊंचे दाम पर बिक रही है, लेकिन जो सुपर एरिया होता है और कवर्ड एरिया होता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए हम प्रॉपर्टी बायर्स को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, समझाते हैं, टाइटल दिखाते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है, जब कोई भी पूंजी निवेश करना चाहता है, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो एग्रीमेंट जरूर देख लीजिएगा, जो एग्रीमेंट, जो इकरारनामा आपके साथ डेवलपर कर रहा है उसमें क्या शर्तें हैं, कहीं एक तरफा एग्रीमेंट तो नहीं है। ये सारी जानकारियां हम देते हैं, जो होमवर्क प्रॉपर्टी बायर और इन्वेस्टर को करना होता है वो होमवर्क हमारे द्वारा किया जाता है। और पूरी जिम्मेवारी के साथ हम प्रोजेक्ट का विजिट करवाते हैं। विजिट बिना किए हम प्रोजेक्ट में कोई भी फ्लैट किसी को बेचने में असमर्थ रहते हैं। हम तभी वो फ्लैट बेचना पसंद करते हैं ये बतलाकर कि कितने समय में कितना प्रॉफिट होगा, लोकेशन क्या है, टाइटल क्या है, अप्रूवल क्या है। उसके बाद कोई पूंजी निवेश के माध्यम से, तो मैं दावे के साथ निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं, किसी भी प्रकार से पूंजी निवेशक को, इन्वेस्टर को, प्रॉपर्टी बायर को कोई भी किसी भी प्रकार की नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। और डिटेल है जो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें जानना भी बाकी है, लेकिन मैं आज हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतें और कम समझ के चलते अक्सर निवेशक प्रॉपर्टी के इस विकल्प के बारे में विचार तक नहीं करते। लोगों की इसी मुश्किल को दूर करने के लिए propertychacha.com ने प्रॉपर्टी ट्रेडिंग का फॉर्मूला ईजाद किया।
आखिर क्या है प्रॉपर्टी ट्रेडिंग और कैसे आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं और महज 50,000 की निवेश करके आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पचास हजार में प्रॉपर्टी में निवेश का मौका। हर महीने मिलेगा निवेशकों को मुनाफा। प्रॉपर्टी ट्रेडिंग का ये है नया तरीका। शेयर मार्केट, बैंक एफडी, सोना और प्रॉपर्टी बरसों से देश में निवेशकों के पसंदीदा विकल्प रहे हैं। शेयर मार्केट, बैंक एफडी और सोने में निवेश के लिए बेहद कम रकम की जरूरत होती है। इस वजह से निवेशकों का बड़ा दायरा इन सभी विकल्पों में आसानी से पैसा लगा लेता है। मुनाफा देने में इन सारे विकल्पों पर अक्सर प्रॉपर्टी भारी पड़ती है, लेकिन प्रॉपर्टी तब शेयर मार्केट, बैंक एफडी और गोल्ड से पीछे छूट जाती है जब इसमें निवेश के लिए एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर निवेश के लिए कई तरह की बंदिशें हैं। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। प्रॉपर्टी में किया गया निवेश नकदी के तौर पर भुनाना जल्द मुमकिन नहीं हो पाता। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए कई तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। टैक्स के तमाम झंझट भी प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री के साथ जुड़े रहते हैं। आखिर इन मुश्किलों का समाधान क्या है? कैसे आप प्रॉपर्टी में बेहद कम रकम के साथ निवेश कर सकते हैं? कैसे इस विकल्प को कभी भी नकदी में भुना सकते हैं? क्या प्रॉपर्टी ट्रेडिंग मुमकिन है? इन तमाम मुश्किलों को दूर करने की पहल PropertyChacha.com ने की है। PropertyChacha.com ने एक योजना बनाई है जिसके जरिए कम बजट से लेकर बड़े बजट तक के निवेशक शामिल हो सकते हैं और प्रॉपर्टी में निवेश के जरिए मुनाफा कमा सकते हैं। आखिर क्या है ये योजना और क्या ये फायदेमंद साबित हो सकती है? आइए करते हैं इसकी पड़ताल। PropertyChacha.com की इन योजनाओं को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहली योजना में वो लोग शामिल हैं जो 50,000 रुपए तक प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं और इसे नाम दिया गया है सिल्वर बिजनेस प्लान। दूसरी योजना में 1,00,000 रुपए तक का निवेश करने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा और इसे नाम दिया गया है गोल्ड बिजनेस प्लान। और तीसरी योजना में 2,00,000 रुपए तक का निवेश करने वाले लोगों को शामिल किया गया है और इसे प्लेटिनम बिजनेस प्लान पुकारा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग योजनाओं यानी बिजनेस प्लान में कैसे निवेश किया जाए और किस तरह से इससे आपकी आमदनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर बिजनेस प्लान के बारे में। इस सिल्वर बिजनेस प्लान में 50,000 रुपए का निवेश करना होगा। PropertyChacha.com की टीम 50,000 रुपए तक निवेश करने वाले 100 लोगों को इस सिल्वर बिजनेस प्लान में जोड़ेगी। इन सब से मिले 50,00,000 रुपए को PropertyChacha.com की टीम किसी प्रॉपर्टी में लगाएगी। दूसरी योजना है गोल्ड बिजनेस प्लान और इसके तहत इसमें 1,00,000 रुपए का निवेश करना होगा। PropertyChacha.com की टीम 1,00,000 रुपए तक निवेश करने वाले 50 लोगों को इस गोल्ड बिजनेस प्लान से जोड़ेगी। इन सब से मिले 50,00,000 रुपए को PropertyChacha.com की टीम किसी प्रॉपर्टी में लगाएगी। तीसरी और आखिरी योजना है प्लेटिनम बिजनेस प्लान और इसके तहत 2,00,000 रुपए का निवेश करना होगा। PropertyChacha.com की टीम 2,00,000 रुपए तक निवेश करने वाले 25 लोगों को इस प्लेटिनम बिजनेस प्लान में जोड़ेगी और इन सब से मिले 50,00,000 रुपए को PropertyChacha.com की टीम किसी प्रॉपर्टी में लगाएगी। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। PropertyChacha.com की टीम कोशिश करेगी कि इस पैसे को किसी ऐसी प्रॉपर्टी में लगाया जाए जिससे हर महीने आमदनी हो सके। इस निवेश से मिलने वाली रकम को हर महीने की 26-27 तारीख को निवेशकों के बीच बराबर बांटा जाएगा, यानी जितनी ज्यादा रकम का निवेश किया जाएगा उतना ही ज्यादा मुनाफा हर महीने निवेशकों को होगा। इस योजना के तहत महज 50,000 रुपए में
आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का मौका हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की कीमतों को देखते हुए इतनी कम रकम से कहीं भी आप प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी में होने वाले बूम को मिस करने का मलाल भी इस योजना का हिस्सा बनने के बाद आपको नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन योजनाओं से संतुष्ट न होने पर आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको योजना खास फायदेमंद नहीं लगती तो आप कभी भी अपने पैसे लेकर इससे बाहर हो सकते हैं। जबकि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसे बेचना और उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। आपकी जगह कोई और निवेशक propertychacha.com के जरिए इस योजना में शामिल हो जाएगा। अगर आप भी प्रॉपर्टी में निवेश करने का इरादा रखते हैं और बजट के आड़े आने से आपका ये इरादा पूरा नहीं हो पाता है तो इस तरह की योजनाएं आपके लिए बड़े काम के साबित हो सकती हैं। इसके अंदर इन्होंने कुछ पूलिंग स्टार्ट करी, जिसके अंदर 20-25 लोग के इन्होंने स्लैब रेट डिफाइन किए हैं, जिसके अंदर इनके तीन कंसेप्ट है, जिसके अंदर 25 लोग होंगे जो 50,000 का वो देंगे इन्वेस्टमेंट, कुछ 25 1 लाख का और कुछ 2 लाख का, जिसके अकॉर्डिंग जिसके अंदर ये मंथली अश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी गारंटी दे रहे हैं कि आप हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करिए और हम आपको एक अश्योर्ड रिटर्न देंगे। इनका एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है जो प्रॉपर्टी से रिकॉर्डिंग इन्होंने बनाया है, और आई गेस मैं उसको गो थ्रू किया और मुझे लगा कि ये एक अच्छा कंसेप्ट है जिसके अंदर जिनके पास छोटी आमदनी वाले जो लोग हैं वो पैसा लगा करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट और सोने की तरह ही ये प्रॉपर्टी में निवेश का आसान और सीधा सा जरिया साबित हो सकता है। हालांकि प्रॉपर्टी में निवेश से पहले आपको योजनाओं से जुड़ी तमाम शर्तों और प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को देखने की सलाह हम जरूर देंगे। तो प्रॉपर्टी ट्रेडिंग के बारे में हमने स्टोरी तो पूरी देख ली, अब इसे थोड़ा विशेषज्ञ की नजर से भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। सतीजा जी, प्रॉपर्टी ट्रेडिंग बिजनेस अगर कोई शख्स करना चाहे, इन्वेस्टमेंट उसे करनी हो तो तरीका क्या होगा इसका? देखिए, शेयर में ट्रेडिंग चलती थी, लोग इन्वेस्टमेंट करते थे फिक्स डिपॉजिट करके, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते थे गोल्ड लेकर, सोना खरीदते थे रखते थे, उसके बाद मुनाफा होने पर बेचते थे। लेकिन पहली बार हमने प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया है उन लोगों के लिए जो कम पूंजी निवेश करके ढेरों मुनाफा लगातार सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। इसमें आप कम से कम 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 50,000 और 1 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके साथ एक एग्रीमेंट होगा, एक आपको ICICI बैंक का ATM कार्ड दिया जाएगा और मैंडेटरी होगा हर महीने 25, 26, 27 को आपको एक SMS आएगा, सच एंड सच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। हर महीने आपको रेगुलर प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या 3 लाख और 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेवलपर द्वारा 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपके साथ एक एग्रीमेंट तो होगा ही और उसके साथ एक फ्लैट का या एक प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। जब प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा उसे इंटरनेट पे भी डाला जाएगा, वो प्लॉट डेवलपर नहीं बेच सकेगा जब तक आपका पूरा पैसा वापस ना आए, और हर महीने का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो ATM कार्ड द्वारा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 लाख और 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट डेवलपर द्वारा सेल डीड आपके नाम करवा के दे दी जाएगी ताकि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे और आपको नींद आती रहे, और उस पर जो प्रॉफिट मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट लगभग 3% से ऊपर ही होगा, उसके एडवांस चेक मिल जाएंगे। लेकिन लॉकिंग पीरियड सबका 1 साल है, और अगर आप पेमेंट वापस लेना चाहते हैं तो 15 दिन का नोटिस देके आप अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं। उसी प्रकार से डेवलपर भी आपको 15 दिन के लिए एक लेटर देके आपका पेमेंट जो आपने डिपॉजिट किया है जरूरत ना होने पर आपको वापस दे सकता है। सतीशा जी, ये बताइए कि दिल्ली जयपुर मेन हाईवे NH 8 पर आपकी 2 टाउनशिप है जो आ रही है, घरौंदा सिटी और श्री गणेश विहार, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल दीजिए, इनके प्लॉट्स के साइजेस क्या है और अगर कोई शख्स इनमें इन्वेस्ट करे तो मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? देखिए, ये 2 प्रोजेक्ट हैं NH 8 के ऊपर। मैं हमेशा हर एपिसोड में ये कहता हूं कि अगर लोकेशन बहुत शानदार है तो प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा तभी होता है। NH 8 के ऊपर ये श्री गणेश विहार, जहां पर प्राइस है 5,850 रूपये 5,850 रूपये पर स्क्वेयर यार्ड। इसमें प्लॉट के साइजेस हैं 111 गज, 166 गज, 200 गज और 250 गज और 300 गज। अगर घरौंदा सिटी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये भी NH 8 से ही रास्ता जाता है।
अजीतगढ़ को और वहां पर 5 किलोमीटर की दूरी पर यह प्रोजेक्ट है 100 फीट वाइड रोड के ऊपर। बहुत ही शानदार घरौंदा सिटी की प्लानिंग की गई है, काम जोरों पर चल रहा है। प्राइस इसका है 3,350 रूपये पर स्क्वेयर यार्ड। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लॉट का साइज है 100 स्क्वेयर यार्ड, 200 स्क्वेयर यार्ड एंड 300 स्क्वेयर यार्ड। बहुत शानदार लोकेशन। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजिएगा 9278024365 पर, हम आपको लोकेशन दिखाएंगे, उसकी अप्रूवल्स दिखाएंगे। गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट हैं और इमीडिएट इसकी रजिस्ट्री भी हो सकती है। अदरवाइज इसकी पेमेंट ईएमआई में अगर आप देना चाहें तो 18 और 36 महीनों में इसका आप पेमेंट दे सकते हैं। अगर आप श्री गणेश विहार में प्रॉपर्टी चाहते हैं, वहां पर 5,850 रूपये रेट होने के कारण इसके ऊपर 14% की डेवलपर द्वारा लिमिटेड टाइम के लिए अश्योर्ड रिटर्न भी दी जा रही है, जो लगभग 1.5 साल तक आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलती रहेगी। बहुत ही शानदार लोकेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा दर्शकों से और प्रॉपर्टी बायर से, लोकेशन एक बार जरूर देख लें, मन बनाएं और इसमें आपको आने वाले 2.5-3 साल में लगभग 100% की ग्रोथ मिलेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे propertychacha.com ने सर्टिफाइड प्रोजेक्ट के बारे में ग्राहकों को जानकारी देने का बीड़ा उठाया। भरोसेमंद प्रोजेक्ट्स में निवेश करके कैसे आप कमा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, इस रिपोर्ट में समझिए। प्रॉपर्टी खरीदने में अक्सर धोखा होने की भरपूर गुंजाइश बनी रहती है, खासकर मंदी के इस दौर में तो ग्राहक इतने परेशान हैं कि किस प्रोजेक्ट में उनके ख्वाबों का महल बनकर तैयार होगा ये तय कर पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। किस डेवलपर पर ग्राहकों को भरोसा करना चाहिए, किस तरह से एक बेहतरीन डील का ऑफर उनके अरमानों को पूरा करेगा या उन्हें कुचल देगा, कुछ भी समझ से बाहर हो रहा है। दुनिया की जानी मानी रियल स्टेट रिसर्च एजेंसियां ग्राहकों को ताकीद कर रही हैं कि उन्हें केवल डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर घर खरीदने का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्राहकों को डेवलपर की मौजूदा वित्तीय स्थिति की भी जानकारी हासिल करने के बाद ही गृह प्रवेश का सपना संजोना चाहिए। भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी, ऊपर से रियल स्टेट की सीमित समझ, आखिर कैसे एक आम ग्राहक डेवलपर की पूरी जांच पड़ताल कर सकता है, कितनी छुट्टियां सिर्फ प्रोजेक्ट्स को डेवलपर के बारे में खोजबीन में निकल जाती हैं, नेट पर बैठकर डेवलपर के खिलाफ शिकायतों को पुलिंदा मिलता है और किस शिकायत के क्या मायने हैं कई बार ये भी समझ नहीं आता। यही नहीं, घर खरीदने के बाद जब धोखाधड़ी का एहसास होता है तो मासूम ग्राहकों को ज्यादातर अपने हक के बारे में पता ही नहीं होता, वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर डेवलपर के खिलाफ कहां शिकायत करें, कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कैसे दूसरे ग्राहकों को भी पता चल सकता है कि यहां पर किस तरह की वादा खिलाफी होती है। अब इस तरह की तमाम मुश्किलों को दूर करने का बीड़ा propertychacha.com ने उठा लिया है। दरअसल propertychacha.com सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स की बिक्री ही करते हैं। सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स यानी वो प्रोजेक्ट्स जिनकी तमाम मंजूरियों और कागजातों की पड़ताल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स कर चुके होते हैं। साथ ही अगर propertychacha.com की टीम किसी प्रोजेक्ट की बिक्री से नहीं जुड़ी है तब भी वो प्रोजेक्ट की बारीकी से जांच करके ग्राहकों को सूचना मुहैया कराने के लिए तैयार है। यही नहीं, किसी प्रोजेक्ट में घर खरीदने से पहले ग्राहकों को क्या क्या कागजात देखने चाहिए और किस तरह से उन कागजातों को समझा जा सकता है इसके लिए भी propertychacha.com सेवा मुहैया कराती है। अब सवाल उठता है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदकर फंस चुके हैं, आपको मालूम चल चुका है कि डेवलपर ने आपके साथ वादा खिलाफी की है और आप फिर से परेशान हैं कि कैसे और कहां आप डेवलपर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, तो भी propertychacha.com आपके काम आ सकता है। यहां पर एक पूरी लीगल टीम मौजूद है जो लोगों की शिकायतों को सुनती है और फिर उन्हें कानूनी सलाह देती है कि कहां पर वो डेवलपर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्राहकों को उनके जैसे पुराने केस के बारे में भी बताया जाता है
जिसके आधार पर वो समझ सकते हैं कि वो किस तरह से डेवलपर को फ्लैट बेचते वक्त किए गए वादों को पूरा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। PropertyChacha.com ने इन शिकायतों को निपटाने के लिए एक मेल आईडी बनाई है PropertyMandir@Yahoo.com, जिस पर मेल करके ग्राहक अपनी शिकायतें PropertyChacha.com तक पहुंचा सकते हैं। मेल मिलने के बाद PropertyChacha.com की टीम खुद ही ग्राहकों के साथ संपर्क करेगी और उन्हें मुश्किल से छुटकारा दिलाने की कवायद में जुट जाएगी। इसके साथ ही प्रॉपर्टी मंत्रा के हर एपिसोड में एक जैसी शिकायतों के समाधान बताने के लिए भी लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही जानकारी मिल सके और इसके लिए उन्हें इधर उधर भटकना भी ना पड़े। तो आपने स्टोरी देख ली, अब इस पर सवाल कर लेते हैं। सतीजा जी, आजकल प्रॉपर्टी बायर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि प्रॉपर्टी फ्रॉड का बोलबाला है। ऐसे में अगर कोई विक्टिम है तो उसकी मदद कैसे की जा सकती है और आप कैसे कर सकते हैं? सितंबर के आखिरी संडे को हम एक प्रॉपर्टी अदालत के नाम से 1 आवर शो करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम 5 डेवलपर्स को बुला रहे हैं जिनके खिलाफ हमारे पास काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं। उन डेवलपर्स को बुलाया जाएगा और अगर आप किसी भी डेवलपर से सताए हुए हैं या आप विक्टिम हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ साथ आपको इन्वाइट किया जाएगा फिक्की ऑडिटोरियम में और वहां पर शूटिंग होगी इस पूरे कॉन्सेप्ट की कि किस प्रकार से फ्रॉड हुए या नहीं हुए और कुछ बिल्डरों की वजह से अच्छे बिल्डर काम नहीं कर पा रहे। फ्रॉड तभी होता है जब कोई जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट होती है, ना समझी से इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी भी किसी भी प्रकार का आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। चलिए, हमारे साथ अब सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप की रितु सिंह जी भी जुड़ गई हैं। रितु, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप हरियाणा में आपका अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट था, उसका क्या रिस्पांस मिला आपको और साथ ही आप लोगों से अफोर्डेबल जो हाउसिंग है उसके बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे? आजकल जो है, अगर हम चाहे इन्वेस्टर की बात करें या एंड यूजर की बात करें, सभी इस चीज के पे बहुत ध्यान देते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हम उसका एक बैकग्राउंड चेक जरूर कर लें, क्योंकि जिस तरह के डिफॉल्ट्स आजकल हो रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि प्रोजेक्ट जो है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो सर्टिफाइड हो। शायद यही वजह है कि आज जो हरियाणा गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें हमारा ग्रुप सिग्नेचर ग्लोबल के जितने भी लॉन्चेस हुए हैं, हमारे फ्लैट जो हैं वो 850 से 1000 तक की क्वांटिटी में हैं, लेकिन जो हमें एप्लीकेशंस मिले हैं वो 5000 तक मिले हैं, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल जो है इनका जो प्रमोटर है वो उनका अपना एक बहुत 15 साल का फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही वेल नोन फाइनेंशियल उसमें इनका एक रेपुटेशन है। तो यही वजह है कि इन्वेस्टर्स जो है हमारे प्रोजेक्ट्स में अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सतीजा जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि धार्मिक नगरी वृंदावन में जो ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं, इसकी लोकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है इसके? देखिए, ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिनों से चल रहा है और हम वृंदावन में NH2 मेन हाईवे के ऊपर इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। 3 किस्म के इसमें अपार्टमेंट होंगे, सिंगल स्टोरी ये बनेगा, 60 गज का जो फ्लैट होगा, 60 गज का जो अपार्टमेंट होगा, बहुत ही सारी सुविधाओं के साथ सुजोय होगा और इसकी प्राइस होगी 27 लाख रुपए। और 80 गज में जो आपको विला एक्सपेंडेबल मिलेगा वो लगभग 36 लाख रुपए का होगा और 100 गज के अंदर जो ओल्ड एज होम मिलेगा उसकी कीमत होगी 45 लाख। यहां पर एम्बुलेंस की सुविधा होगी, हॉस्पिटल की सुविधा होगी, डॉक्टर्स नर्सेस 24 घंटे रहेंगे वहां पर, ब्रेकफास्ट फ्रूट्स मिल्क हर प्रकार का ओल्ड एज वालों को दिया जाएगा, उनकी मालिश का प्रबंध होगा, लाइब्रेरी होगी, हर प्रकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक बुजुर्ग को वो वहां पर मिलेंगी। 100 गज के अंदर 2 मियां बीवी रह सकते हैं ओल्ड एज में और 60 गज और 80 गज के अंदर 1 पर्सन के लिए एक्विनेशन अवेलेबल होगी, हर प्रकार की सुविधाएं होंगी। कोई भी अगर कमी किसी में भी है उसको दिखाना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, हर प्रकार की सुविधाएं इतनी शानदार तरीके से दी जाएंगी और 5-स्टार फैसिलिटीज के साथ एक हॉस्पिटल की तरह ओल्ड एज होम होगा, जहां पर पार्क भी होंगे, हर प्रकार के गेम्स होंगी और इनके लिए ये होना बहुत जरूरी है। लोकेशन कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, दिल्ली से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर
नेशनल हाईवे 2 के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट होगा भूमि ग्रुप का। और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं फिलहाल, तो आप रजिस्ट्रेशन बिना किसी पैसे इन्वेस्टमेंट के रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यानी कि आप न सिर्फ इस ओल्ड एज होम में लोगों को जगह दे रहे हैं, बल्कि एक कम्युनिटी और सोसाइटी भी डेवलप करके दे रहे हैं। वाकई अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऋतु जी, अब आप बताइए कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट लोगों को टाइम पर मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे लोगों को ये लगता है कि ये काफी लो ग्रुप लोगों के लिए है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है, तो इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन बिल्डर दे पाएगा, क्योंकि आजकल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हर चीज बहुत बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी हुई है। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर यही खूबसूरती है कि इसमें भले ही इसके रेट जो हैं वो एक मिडिल इनकम के हिसाब से रखे गए, 13 लाख से 26 लाख के रेंज में है, 1 BHK से 2 BHK है इसमें अवेलेबल, लेकिन जितने भी स्पेसिफिकेशन इसमें दी गई है वो किसी भी लग्जरी अपार्टमेंट से आराम से कंपेयर की जा सकती है। सिग्नेचर ग्लोबल की मैं बात करूं तो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी इसके कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं वो बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी है। हम एक माइवॉन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कि ब्रिकलेस है, जिसमें हम ब्रिक्स नहीं यूज करते, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी अभी तक जो है वो लग्जरी अपार्टमेंट्स के बिल्डर ही यूज कर रहे थे। दूसरा, अगर मैं इसकी डिलीवरी की बात करूं तो क्योंकि ये हरियाणा गवर्नमेंट के सपोर्ट की, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इस पॉलिसी को अगर आप जो 2013 में उन्होंने लॉन्च की थी उसके मुताबिक 4 साल के अंदर हमें ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में डिलीवर करना है, ये इसकी पॉलिसी का रूल है। लेकिन जो है ये अब बिल्डर टू बिल्डर डिपेंड करता है कि वो इसको कितनी जल्दी इस कंस्ट्रक्शन को पूरा कर सके। हमारे 3 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुके हैं, गुड़गांव के सेक्टर 107, 81 और 71 का ड्रॉ जो है वो 18 को है। तो 107 में हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, जिसको कि आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं उसका स्टेटस, या साइट विजिट कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से हमारी कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस है, हम इसको 4 साल के पहले भी जो है डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें 4 साल के अंदर करना है, लेकिन ये बिल्डअप पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी जल्दी भी डिलीवर कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऋतु जी और सतीजा जी, आप दोनों का प्रॉपर्टी मंत्रालय में इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रॉपर्टी मंत्रालय में आज के लिए इतना ही। अगर आप भी वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी ट्रेडिंग का हिस्सा बनकर मुनाफा कमाना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह के सर्टिफाइड प्रोजेक्ट के बारे में आप कोई डिटेल जानना चाहते हैं, तो हमें 9871372372 पर या फिर 9278024365 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही propertymandir@yahoo.com पर मेल करके भी अपने सवाल, सुझाव और शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं।